अबे मदर गाली क्यों दे रहे हो यार, हाथ देख ले तू, चल मेरे साथ, क्या कमी है मेरे अंदर, ये क्या हरकत है, क्या कमी है मेरे अंदर, ये यही तेरा घंटी रूम है जो तू रहा है ना, ये ड्रामे तेरे को करने को थैंक यू सो मच कि आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई करा, क्योंकि मैं जिंदगी से बहुत ज्यादा वो हो चुका हूँ परेशान यार, ठीक है, मैं बहुत पागल हो चुका हूँ इस टाइम में, टेंशन मत लो, आपके बस हेल्प करना, फिर बस आपके कैमरा ऑन करो, फिर सारी बात आएंगे, ठीक है, कैमरा ऑन है भाई। सो व्हाट्सअप गाइस, ऐसा आप लोग उम्मीद करता कि आज सब अच्छे हो गए। सो गाइस आज हमारे साथ है भाई, आपका नाम क्या? संजय नाम है। भाई का नाम संजय है। भाई की जो प्रॉब्लम है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि भाई हमारी ऑडियंस को सारी बात बताओ कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप क्यों यहाँ पर आए हो, बताओ। भाई मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा वो हो गया हूँ परेशान, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली मेरी फैमिली वगैरह दिल्ली में रहती है, लेकिन मैं जॉब मुंबई में वो करता हूँ, ठीक है, तो कर रहा था थोड़े टाइम पहले, तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मैं 7-8 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चला गया, ठीक है, 7-8 महीने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि फिर मैं जॉब वगैरह तो कर नहीं पा रहा था, ठीक है, हाँ। फैमिली में बहुत सी दिक्कतें वगैरह भी थी, हाँ। ठीक है, सिस्टर बीमार थी और फैमिली में पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, तो मेरी वाइफ जॉब करना शुरू कर दिया, आपकी वाइफ ने हेल्प करी, जॉब करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में मुझे ये पता चलता है कि मतलब वो कुछ ऐसा वैसा काम कर रही है, मतलब समझ में नहीं आया ऐसा वैसा, भाई ऐसा वैसा मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को खुद अजीब सा लग रहा है, मतलब बोलते टाइम मैं समझ सकता हूँ, पर कि आपको ऑडियंस को बताना पड़ेगा ना कि हम किस लिए क्यों आए हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उनको पता लग पाए, अब बताओ खुल के, कोई टेंशन। देखो यार वो ना एज ए मतलब मुझे आस पड़ोस वालों से पता चलता है कि वो एज ए कॉल गर्ल का काम कर रही है, ठीक है, तो मुझे सुन के बहुत ही झटका सा लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, फिर मैंने उसको समझाने की। आप श्योर हो जो आप ये बात बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसे पता लगा? आस पड़ोस से मेरे यार दोस्त वगैरह उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने मुझे वो बताया, लेकिन भरोसे वाले हैं? हाँ भरोसे वाले थे, इस वजह से मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करी, ठीक है, तो वो कहते फिर क्या रिजल्ट आया? कहती नहीं मैं तो करूँगी ये, फिर मैंने उसकी फैमिली को भी बोला, उसकी फैमिली वाले भी बोलते तू नहीं इसको सर पे चढ़ा रखा, अब तू ही देख, फैमिली वाले भी ये बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ से भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, इससे मुझे या तो डिवोर्स दिलाओ और मेरा प्रॉब्लम का ना सॉल्व कराओ, मैं इसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आपने मतलब कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, मतलब अपनी तरफ से, जैसे कि कुछ होता नहीं कि पति भी एक्शन ले सकता? मैंने क्या, मैं मारा पीटा मैंने तब भी नहीं सुधर रही, मैं कैसे आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ, इसके अलावा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं डिवोर्स भी चाहूँगा तो फिर मेरे जो प्रूफ चाहिए होगा, प्रूफ मेरे पास है नहीं, तो मैं रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, तो प्रूफ आना चाहिए ना मेरे पास, समझ रहे हो? तो ये चीज़ बेसिकली भाई मेरे पास इसलिए आए कि भाई को प्रूफ चाहिए। हाँ भाई देखो, जो भी सब कुछ कैमरे के सामने रिकॉर्ड होगा, कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मेरे पे कोई बात आ जाए, मैं पर्दाफाश कर दूंगा, पर सब कुछ रिकॉर्ड होगा, फिर आपको पता है ऑनलाइन डलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? आप परेशान मत हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बस, कोई नहीं, आप परेशान मत हो, जो आप चाहते हो होगा। अरे भाई यार ऐसी बातें मत करो यार, नहीं हेल्प होगी, टेंशन मत लो, सब रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना फिर? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको डिवोर्स लेना है, मतलब आपने सोच लिया है, ऑनलाइन डलेगा तो उसके बाद फिर पर्दाफाश होने के बाद रहना ही नहीं, पक्का? आपको पता है वो कहाँ मतलब रहती हैं, कुछ ऐसा कुछ आइडिया कुछ बताया आपके दोस्तों ने? मैंने आपको इस पार्क में बुलाया था, इससे बगल में कोई पार्क होगा शायद, मैंने सुनने में आया कि वो वहीं पे खड़ी मिले भी ना भी मिल सकती है, 9 बजे निकल जाती है सुबह, 9 बजे निकल जाती है, हाँ, और शाम को आते, फिर पता नहीं वो खड़ी होगी कि नहीं, जो भी है। सो गाइस भाई ने मेरे को मतलब बहुत जल्दी यहाँ पे बुलाया था, बोला कि भाई आप आओ यहाँ पे देखो एक बार आके आप, और मैं भाई के लिए यहाँ पे आया हूँ, और भाई बता रहे हैं कि बगल वाले पार्क में शायद वो मिल सकते हैं, अगर मिल गई तो आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो, तो फिर कल आएंगे दोबारा, पर पर्दाफाश जरूर करेंगे हम उसका, ठीक है, तो वीडियो बने रहना, जब तक आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, भाई को इंस्टाग्राम फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, और जो लोग वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरी फेसबुक की फैमिली यहाँ पर आपको फॉलो का बटन दिख रहा होगा, फॉलो कर लेना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, मैं मिलता हूँ वीडियो के आगे, जाते उस वाले पार्क में, फिर करते हैं कुछ, आओ भाई चलो भाई। A few moments later. तो ये वाला पार्क है ना? भाई पार्क तो यही वाला है यार। अब देख लो यार यहाँ पे वैसे कॉल गर्ल तो खड़ी होती है भाई। मेरे दोस्त ने ही बताया था भाई। उंगली मत करो भाई। वैसे तो उधर की तरफ खड़ी है। यही वाली? यही है। यही है क्योंकि ये साड़ी मैं पहचानता हूँ। कैसे पहचानता हूँ साड़ी? मैंने एक गिफ्ट करी थी ना, ये साड़ी वही है। वही साड़ी है पक्का? वही, हाँ वही है, शोरूम है। भाई देख लो कुछ गड़बड़ ना हो। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना वही है यार। तो भाई काम करो फिर, आप अपना कैमरे के पीछे रहना, कोई गड़बड़ी हो गया तो भाई आयुष कैमरा सेट कर दे उस लड़की पे, वो जो है जो झाड़ियों में खड़ी है, सेट कर दे, सेट कर दे। एक्सक्यूज मी बोल 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 कौन बोल हाय
अरे बोलना जल्दी, टाइम की वेस्ट कर रहे, क्या काम है ये बता। आपको पता है मैं लड़कियां वड़के खड़ी होती है कहीं पे। तुझे क्या लेना देना है भाई, क्या मतलब है तेरा? नहीं मतलब मुझे देखना है, मैंने कभी देखा नहीं है। क्यों, तेरी बहन लगती है जो तुझे देखना है? नहीं बहन नहीं यार, ऐसे क्यों बोल रहा हो? तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? आगे रास्ता ना पर निकल, चल टाइम मत बर्बाद कर मेरा। अरे बोल ना क्या काम मतलब है? मतलब आप बता सकते हो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना मेरा, आप बता दो मैं चला जाऊंगा कि कहां पे। क्या पूछना है बोल, चल। मेरे को मेरे दोस्त वोस्त बता रहे थे कि यहां पे मतलब लड़कियां खड़ी होती हैं। तो आप बता सकते हो कहां पे होती हैं? कहां होती है? उसके लिए ना पैसा होना चाहिए जेब में। पैसा वैसा है? हाँ पैसा है ना मेरे पास। निकाल। क्या दिखा? दिखा आपको भी दिखलाऊं? अरे तभी बताऊंगी, निकालना दिखा, नहीं तो आगे का रास्ता ना पर निकल, टाइम वेस्ट मत कर। ये डंडी देख रहे, तोड़ तोड़ के ऊपर फेंक रही हूँ, इसी तरह तुझे तोड़ के ऊपर फेंक दूंगी, समझा? ऐसे बातें क्यों कर रहे हो आप? तो मैं तो ऐसी बात करती हूँ, तुझे बुरा लग रहा है तो निकल जा, मेरा तो बात करने का तरीका यही है। अरे यार आप लड़ाई वड़ाई करके आ गए घर से? क्यों, तू कौन होता है जिसको मैं बताऊँ कि मैं लड़ाई कर कर आई हूँ या प्यार कर कर आई हूँ घर में? कौन है तू? आप हेल्प कर दो ना, मतलब बताओ तो क्या हेल्प कर दूँ बे? कहाँ पे खड़े होते हैं? मैं देख के चला जाऊंगा। पैसे दिखा ना, पहले पॉकेट निकाल ना। मतलब पैसे हैं? निकाल तो जबरदस्ती नहीं करूँ, निकाल निकाल पॉकेट निकाल। क्या हो गया? अरे अरे दिखा ना, तेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, दूंगी ना पैसा देख के। पैसे दे दूंगा। हाँ दिखा, दे मत पहले दिखा, पहले बताओ कहाँ पे हो। पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, उसके लिए पॉकेट खोल के दिखा। पैसे हैं मेरे पास देखो। हाँ यार तेरे पास तो पैसा वैसा है, पैसा तो है तेरे पास, काय के लिए चाहिए तेरे को लड़की? मतलब जो लड़कियां खड़ी नहीं होती जो काम वगैरह करते हैं, मेरे दोस्त बता रहे थे यहाँ पे होती हैं खड़ी। हाँ। मुझे नहीं आईडिया कहाँ पे क्या होता है, आप हाँ। बता सकते हो, उसमें हेल्प कर सकते हो मेरी? तेरी हेल्प करनी है? हाँ। सुन मैं भी इसीलिए खड़ी हूँ, पैसा तेरे पास है, चल मेरे साथ। कहाँ? oh, no. किस लिए मतलब चाहिए लड़की? पूजा करने के लिए चाहिए या आरती उतारने के लिए चाहिए? किस लिए चाहिए तेरे को? मुझसे कुछ पूछना है, मुझे पूछना है ना। हाँ। मैं बताऊंगी ना तेरे को अगर तेरे पॉकेट में पैसा है। चल चला। हाँ, मैं समझ गया ओची, आप मैं आपकी बात समझ गया। ऐसे आप बहुत खतरनाक हो सच में। और बता। और बस यही है, बस आप मतलब आप भी क्या होता है, आप भी करते हो क्या जो मतलब सुनने में जो दोस्त बता देते हैं? क्या सुना पागल हो क्या? तूने क्या सुना है क्या नहीं सुना मुझे इससे मतलब नहीं है। तुझे जिस काम के लिए चाहिए ठीक है, जो भी है तेरी मतलब पॉकेट में पैसा है, मेरा काम बनता है। चला। हाँ, मैं समझ गया, मुझे पैसे तो हैं, पैसे दे दूंगा। हाँ। आप मतलब अरे मैं हूँ नहीं हूँ, तुझे इससे क्या लेना देना है? तेरे को क्या पूछना है, क्या पूछना है तेरे को इससे क्या लेना देना कि कौन क्या है क्या नहीं है? तेरे को बताती रहो क्या, इतना टाइम है कि मेरा और दिमाग मत खट्टी कर, निकल ले यहाँ से, समझ में आ रहा? नहीं तो जिस काम के लिए चाहिए ना, चल मैं चल रहा हूँ। आप क्यों कर रहे हो ये सब काम, मतलब बता सकते हो आप? कुछ प्रॉब्लम है? तुझे क्यों बताऊँ, तू कौन है? भाई है मेरा, बाप है मेरा, पति है, कौन है तू, कौन है तू? क्यों बताऊं मैं? चाहो बना सकते हो, भाई बना सकते हो, भाई बना लो। मैं भाई मेरे को तेरे को कुछ नहीं बनाना ठीक है, कुछ पूछना पाछना है तो चल मेरे साथ, मैं तेरे को बताऊंगी। नहीं तो रास्ता ना वहाँ सामने का रास्ता देखो, निकल यहाँ से। क्यों? मेरा दिमाग की ना इसी की तैसी मत कर, वैसी खराब हो रखा है, निकल जाए यहाँ से, चल। आप पैसे ले दो, मेरे को बता दो क्या प्रॉब्लम होगा, पैसे दूं मैं? क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है? पैसे क्यों, मेरा दिमाग की ऐसी तैसी कर रहा है? तू चल, अब तू चला, मेरे को सुनना ही नहीं, अब तू चल। वो दिमाग की ऐसी कैसी कर रहा है? नहीं तो पैसा निकाल, पैसा निकाल, नहीं तो निकल यहाँ से। अरे जो जी पूछ रहा हूँ वो तो बता दो। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है तू, क्या पूछ रहा है? एक घंटे से यहाँ मेरा दिमाग खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। तेरे को दिमाग खिलाने के लिए मैं आई हूँ क्या? तू टाइम बर्बाद कर रहा है, घर में कोई और नहीं क्या? नहीं आराम से बात करती, अब तक आराम से बात करी थी, लेकिन तेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, दिमाग खराब करे जा रहा है तू मेरा, निकल ले यहाँ से, नहीं तो पैसा देना, पैसा तो निकल यहाँ से, जो पूछना है चल यहाँ से। भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, इज्जत तेरी जाएगी मेरी नहीं, समझा तू? अरे आराम से बात कर लो ना। अरे मैं बहुत देर से आराम से बात कर रही हूँ, ज्यादा दिमाग खोती करेगा ना ये चप्पल तेरे मुंह पे लगेगी, और नंबर भी पता चल जाएगा इसका नंबर क्या है, समझा? बहुत देर से तेरे से आराम से बात कर रही हूँ, और बहुत देर से इज्जत से बात कर रही हूँ, तेरे को ना इज्जत रास नहीं आ रही है, समझा? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ प्लीज थोड़ा पैसे लेके आप बता दो आपकी ला, पैसा निकाल निकाल, दे रहा हूँ पैसा निकाल। कितने चाहिए? अरे कितना चाहिए तू उसको छोड़, कितना चाहिए? तेरा पैसा ले लिया, तेरा पर्स की फेंक करो यार। अरे चल हट, अब निकल ले निकल ले, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए तेरे को? पैसे गिर गए मेरे यार, पर्स की फेंक करो यार, चल चल। पैसा पैसा तो देख मेरे को मिल गया, समझा? अब तेरे को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए बता? पैसा तो दे दो यार, सारे ले लिया आपने, मैं किराया भी तो जानने के लिए होना चाहिए ना। क्यों दूं मैं, क्यों दूं मैं, दे दो तेरे को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप ये सब काम किस लिए कर रहे हो मेरे को बता? ये सब काम किस लिए कर रहा? आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप ये सब काम किस लिए कर रहा? किस लिए भी करूँ, तुझे क्यों बताओ? कौन है तू? मेरा पति है, मेरा बाप है या मेरा भाई है, कौन है तू? आपका मतलब शुभ चिंतक हूँ। शुभ चिंतक है? हाँ। सुन चुप, शुभ चिंतक। हाँ। तूने दिया है मेरे को पैसा। हाँ। और इतनी भी
बदमाश और इतनी भी बेकार और इतनी भी डायन मैं नहीं हूँ जो तेरे को ना बताऊँ मैं। हाँ, समझा? हाँ, ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, जो मुझे करना है अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से मैं कर रही हूँ, और तू मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं होता। ये दिमाग में बिठा ले अपनी बात। और अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है ना, थोड़ी सी भी अपनी इज्जत प्यारी है ना, चाहता है तेरी बदनामी ना हो, लोग देखे ना, भीड़ इकट्ठी ना हो, अगर तू थोड़ा सा भी चाहता है तो ये सामने का रास्ता जो बाहर की तरफ जाता है, चुपचाप निकल जा। इसी में तेरी और तेरी फैमिली की भलाई है, नहीं तो यहाँ खड़ा होकर मुझसे बात करता रहा ना। लोगों की हेल्प करना मुझे पसंद है, इसलिए बस पूछ। किसी की इतनी हेल्प मत कर कि तेरी जिंदगी बिगड़ जाए, समझा तू? इसलिए निकल जा, जा। मैं तेरे को बाहर का रास्ता दिखाऊं। देख इधर का रास्ता ना, या इधर का रास्ता। एक मिनट, इधर इधर क्या बोल? मैं कब से प्यार से बोल रहा हूँ, चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो। दो मिनट बस, बात तेरे को समझ तो आ नहीं रही है। दो मिनट मेरी बात सुन लो बस। मेरे को एक मिनट भी तेरी बात नहीं सुनी। क्यों कर रहे हो ये सब चीजें? क्यों कर रहे हो? क्यों बताऊँ तुझे? मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, इसलिए प्यार से पूछ रहा है। चल मेरे घर, फिर तेरे को प्यार से बताऊंगी। चला नहीं चलना, सुना मेरी बात? सुना मेरी बात? प्यार से पूछ रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। देखो मेरे को भी गुस्सा आता है, अब मेरा गुस्सा आएगा ना, मुझे भी अपना गुस्सा दिखा। तू मेरा गुस्सा नहीं जानता है, मुझे गुस्सा आया ना, ठीक है? हाँ। मेरे को गुस्सा आया तो ठीक है, तेरे को गुस्सा आया, जितनी पब्लिक दिखाई दे रही है ना, ये सब मेरे साथ और अच्छा। तू यहाँ अकेला। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तू प्रधानमंत्री है, तू कौन है? तू कौन है? प्रधानमंत्री है, जो तेरी स्माइल आ रही है ना चेहरे पे, अगर चाहता ये स्माइल बनी रहे ना, तो तेरी भलाई इसी में है कि तू वापसी चुपचाप लौट जा, नहीं तो तेरी जिंदगी तो बेटा बर्बाद है, समझा तू? ठीक है, क्या कर ले? क्यों क्या कर लूँ? तुझे बताऊंगी। अब तक तुम मुझसे पूछ रहा था किसी के बारे में, अब मैं क्या करूँ ये भी तुझे बताऊँ? हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुझे दू। हाँ, कौन है तू? कौन है बे? मैं तेरा बाप। मेरा बाप? और ये लो, एक बाप तो मेरा घर में बैठा है, दूसरा बाप मेरा यहाँ पर है। हैं? मेरा बाप बनेगा तू? अभी शक्ल दिख ले आईने में, पता चल जाएगा तो मेरा बाप है या कौन है, समझा? अरे मैं बोल रहा हूँ, अबे मदर गाली क्यों दे रहे हो यार? औकात देख ले तू, समझा तू? किस औकात का है तू? गाली मत दो यार। जब तुझे मैं कह रही हूँ, तुझे जो काम चाहिए करना, चल मेरे साथ। क्या कमी है मेरे अंदर? ये क्या हरकत है? क्या कमी है मेरे अंदर? ये यही तेरा ना रंटी रूम जो तू रो रहा है ना, ये भीड़ इकट्ठी करके ना, ये सब हरकत है मत करो। इधर आजा यार, ये सब हरकत है मत करो। ये ड्रामा करने आई ना तू? मास हटा पहले। नहीं ये ड्रामा करने आई ना तू? मास हटा है, मास हटा पहले। ये देख लिया इसका रंग? ये ड्रामे तेरे को करने को प्रधानमंत्री हूँ कहेगा? मैंने बोला था ना, पूछ रही है करने आई ना, रंग ढंग से सब पता है मुझे, समझ में आ गया ना? तो मैंने इनको बोला था कि मैं मेरी हेल्प करो आप, ठीक है? सुन, पता कौन है वो? मारो मत, क्या कर रहा है? मैंने YouTube पे चैनल मारना है। तो इसको तो मैं वहां पे देख, कैमरा लगा, कैमरा नहीं किसी की इज्जत है देख रहे हो भाई? मैंने आपको क्या बोला था? अब इसका रंगे हाथों देख लिया ना तुमने, अब इसको पता चलेगा, अब तेरे को पता चलेगा, अटेंशन को ले रही है तू। मेरी बात सुनो तुम। क्या सुनो? तुमने धोखे से मुझे ये क्या कर दिया तुमने? है किसने धोखे से? ये देखो, और मैं दूर से देख रहा हूं। मेरा ये झूठ है, मत कर, ड्रामे मत कर, मारो मत, मारो मत, मारो मत, मारो मत भाई, मारो मत। तू अपने पैसे पकड़, जो भी किया है तूने जानबूझ के किया है, किस लिए किया है मुझे नहीं पता, तेरे पैसे तुझे मैं लौटा रही हूं, ले ले ले, अपने पैसे पकड़, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे घर मत बर्बाद कर तू। झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है तो तू किस लिए करा? तेरे पैसे भी लौटा दिए ना, डिलीट कर दे, डिलीट कर दे, देख लेट नहीं होगी वीडियो, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं हाथ नहीं उठाना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता है। अरे रो मत, मुझे हाथ जोड़ी, हाथ जोड़ के ये डिलीट करवा दो जो भी तुमने किया है। मैंने पैसे भी लौटा दिए ना, तुम्हारी मेरे से क्या दुश्मनी है? तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती। आप ये बताओ कर क्यों रहे थे? आप बताओ मुझे कर क्यों रहे थे आप ये सब चीज? बताना कैमरे के सामने, बताओ ये सब चीजें।
भाई उसके बाद डिलीट कर दोगे? बताऊंगा भाई, वीडियो वीडियो देखो भाई, डिलीट तो नहीं होगी क्योंकि भाई बताएंगे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ये वीडियो डिलीट कर देना, नहीं तो मेरी इज्जत, जो भी मेरी इज्जत है ना, सब बर्बाद हो जाएगी। अरे आप फेस आपका नहीं दिखेगा, आपने मास्क पहना, मास्क नहीं हटाएंगे आप, मतलब बता दो क्यों कर रहे थे आप ये सब चीज़ें, किस लिए, क्या प्रॉब्लम थी, क्या परेशानी थी आपको, अब वो बताओ पहले तो। बताओ कैमरा चल रहा है। मैं ये भाई मारना मत यार प्लीज सर, किसी की एक मजबूरी होती है आप जानते हो ना। भाई तो पूछना चाह रहा था मैं आपसे, आपने बताया नहीं। मजबूरी थी जिसकी मजबूरी के रहते मैंने ये सब किया। अरे कोई नहीं, आप ना डरो मत, टेंशन मतलब मैं हूँ, मैं भाई की तरह बोल रहा हूँ, आप बताओ सबको पता लग पाए। मैं भाई तो जानने आया था कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा ये सब चीज़ें, ताकि क्या बोलो, अब बताओ, रो मत आप प्लीज, रो मत, बता प्रॉब्लम बता। पहले ना मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, हाँ उन्होंने बताया, भाई ने काम करने लायक थे नहीं, हमारा घर भी एक रेंट पर है, उसका भी हमें रेंट वगैरह देना पड़ता है। रेंट पे भाई घर आपका? इनकी बहन है छोटी, मम्मी है, पापा है, सबकी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। अब इनका एक्सीडेंट हो गया, काम कैसे करेंगे ये, कैसे खर्चा चलेगा, हर चीज इनकी भी दवाई, यही सब चीजें करके पैसा कमाना। नहीं, मैंने जॉब की ट्राई करा, 3-4 जगह जॉब की ट्राई करा, हर किसी ने, एक दो लोगों ने तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला, मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कहीं जॉब नहीं मिलेगी मजबूरी में। नहीं भाई, मैं सच मतलब, बोल रही हूँ, सच बताऊँ आपको भाई, भाई भाई एक बार दोनों सच्चा दोनों अधिकतर लड़कियों के साथ होता है भाई, ये मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। कॉम्प्रोमाइज भी किया तो उन लोगों ने मेरे को जॉब नहीं दी, मुझे मेरा घर, मेरे सास ससुर की दवाई याद, इनकी बहन की दवाई, ठीक है, उसकी पढ़ाई का खर्चा, इनका देखो पैर में चोट लगी है, इनको बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, इनके दवाई दारू, रेंट का खाना, सब्जी रोटी सब चाहिए, कहाँ से करती मैं, मेरी भी कुछ मजबूरी आती, मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब से 9 महीने से मैं ये सब कुछ कर रही, इससे पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर में ही रहती थी, ये कमा के लाते थे और मैं खाती थी। पर अब तो ये ठीक हो गया, अभी सब काम छोड़ो ना, फिर अब तो ये कमा सकते हैं भाई, कमा सकते हो ना आप तो। आप मैंने बोला मैं कमा सकता हूँ, आपको एक बार बताऊँ, देखो मैं इन पे हाथ उठा सकता था, पर सच बोलूँ ना, इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मजबूरी में कर रही है, इसलिए इन पे हाथ नहीं उठाया मैंने, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए थे। काम तो करेगी क्या यार ये मेरा मुंह। अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, देखो लड़ झगड़ के कुछ होगा नहीं भाई, रो मत यार प्लीज, आप लड़ झगड़ के कुछ होगा नहीं, आप आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, आज से आप ये काम करोगे नहीं, अगर छोड़ कमा के लेकर आते तो मुझे क्या जरूरत है, मैं भी खुशी में नहीं करती ना, आप मैं तो लेके आ रही हूं, मजबूरी में करती हूं। आप रखना चाहते हो ना भाई, मैं प्यार तो करता हूं लेकिन ये इससे उल्टे सीधे काम देख के। अरे नहीं करेंगे, एक एक मौका दिया जाता है हर इंसान को, एक मौका दे दो। नहीं करूंगी, अगर तुम कमा के लेकर आओगे तो मैं क्यों करूंगी। रो रही है यार, मैं भी तो मजबूरी में करती हूं ना, तुम्हारी हालत खराब थी, तुमने देखा स्थिति कैसी। मौका दूंगा तो फिर ये वीडियो मैं पासूंगा, कल को अगर इसने कुछ गड़बड़ करी तो फिर ये वीडियो में कोई नहीं, सीधी सी बात है। वीडियो डाल दूं मैं अपने चैनल पे, फेसबुक पेज पे डाल दूं वीडियो, ताकि लोगों के पास मैसेज भी जाए ना, तो भाई आप देख लो अपना। सो गाइस आप सबसे इतना ही बोलूँगा कि यार जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओगे, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, चाहे पैसों से, चाहे किसी का काम लगवाओगे, किसी की जॉब लगवाओगे, तो प्लीज़ हेल्प किया करो, ताकि अगले जैसे इनके साथ हुआ, किसी और के साथ ऐसी चीज़ें ना हो। और यस बस यही गुजारिश करूँगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई का इंस्टाग्राम फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई। बाकी अब आप दोनों के ऊपर, आप दोनों क्या करना चाहते हो, बस इतना गुजारिश करूँगा, गलत नहीं है ये अपनी जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही हो, भाग गई थी पर अकल आ चुकी है इनको, मेरे हिसाब से यही गुजारिश करूँगा, इनको माफ़ कर दो और इनके साथ रहो, माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ।